ओम शांति। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में स्ट्रगल करते हैं, चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। इस बात पर गौर करेंगे, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो वो नेगेटिव सोचते हैं। एक वो होते हैं परिस्थिति जैसी होती है वो वैसा ही सोचते हैं। और तीसरे, परिस्थिति कैसी भी हो वो पॉजिटिव सोचते हैं। अब देखिए, हमें जीवन में जो भी चाहिए हमें वही सोचना है, बोलना है और करना है। विशेष कहेंगे फिर से, सोचना है, विजुअलाइज करना है और बोलना है। वो शब्द मुख से कभी ना उच्चारें, वो थॉट्स कभी क्रिएट ना करें जो हम जीवन में नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है, हम जाने और अनजाने में वही थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो हम नहीं चाहते। मानो हमारी पीठ में दर्द है, हम चाहते तो ये हैं कि पीठ में दर्द ना हो, लेकिन हम बार बार बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, मेरी पीठ में कितना दर्द है। हम कई बार कईयों के सामने कह जाएंगे कि मेरी पीठ में बहुत दर्द है। कई बार ये तो सही बात है कि चलो पीठ में दर्द है कि हम उनसे कह रहे हैं, बताना ठीक है, अपनों को बता देना एक बार ठीक है, डॉक्टर को बता देना ठीक है। कई बार तो हम जान पूछ कर भी कहते हैं ताकि हमें सिंपथी मिले। चेक करना, डीप चेकिंग करने पर आप पाएंगे कि हमारे मुख से ये शब्द बार बार इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंपथी भी चाहते हैं। हमारे घर में कोई ना कोई एक सदस्य या सारे भी हो सकते हैं जिनसे हम विशेष अटेंशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी सेवा करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक माता और उनका बेटा हमसे मिले थे, तो उनकी जो माता थी वो माताजी बहुत बीमार थे, मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं थे लेकिन थॉट से ज़्यादा बीमार थे। उनके बोल से पता चल रहा था कि वो जैसे हारे हुए हैं। तो हम ऐसी बात कर रहे थे तो उनके बेटे ने बताया कि ऐसी बात नहीं है भाई जी, इनकी सेवा नहीं की जाती है, इनकी सब देखभाल करते हैं, लेकिन उनके लिए देखभाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो सेवा चाहती हैं सिर्फ अपनी बहू से कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, पर उसका नेचर ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा बार बार पूछ नहीं पाती है कि आप ठीक हो, आपने पानी पी लिया, आपने ये कर लिया, आपने दवा ले ली, लेकिन सभी बाकी सब ऐसा करते हैं। इन्हें उनकी कोई कद्र नहीं है जो सेवा हो रही है, लेकिन हरदम यही कहती रहती हैं कि ये तो मुझसे पूछती नहीं है, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी। तो उससे क्या है कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ये उनके सामने अपनी बीमारी को दर्शाने के लिए आवाज़ ऐसे कई बार बना लेती हैं, इतनी बीमारी होती नहीं है लेकिन आवाज़ को वैसा बना लेती हैं ताकि उसको लगे कि देखो ये कितनी बीमार है और मैं इनसे पूछूं। एक्चुअल में ये हम सभी कभी ना कभी किया है हमने और हम करते ही हैं कि हम जिनसे अटेंशन चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारी केयर करें तो हम क्या करेंगे, जैसे वो बोलेंगे पानी पी लिया आपने, तो हम करेंगे हैं, जैसे मानो हमें सुनाई तक भी ना दे रहे हम इतने बीमार हो गए हैं, तो बोलेंगे पानी पिया आपने, तो हम बोलेंगे हाँ पानी तो पिया है। जबकि नॉर्मली वो इंसान वहाँ जब नहीं होता तो हम ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, अगर बीमारी बड़ी है तो बात अलग है, लेकिन हमें चेक करना है कोई भी बीमारी इतनी बड़ी हो गई है कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्या वो बीमारी सबसे बड़ी है जो आपके पास है? क्या वो बीमारी इतनी बड़ी है जो हमारे पास है अभी फ़िलहाल? चेक करेंगे। अगर वही बीमारी सेम, बिल्कुल पैरामीटर सेम हो, पांच लोगों को हो जाए, तो क्या पांच लोग बिल्कुल सेम तरीके से सोचेंगे, बोलेंगे और बातें करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होगा ही उनकी मानसिक शक्ति के आधार पर, और कहें उनके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर वो सोचेंगे और वैसा उनका बॉडी लैंग्वेज होने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि हमें किसी से सेवा लेनी नहीं है, सेवा हमने देनी है।
हमें किसी से भी सेवा लेनी नहीं है। इस बात पर गौर करें। और जो आत्माएं, जो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होना है, शुक्रिया करना है प्रकृति का, परमात्मा का और उन आत्माओं का जो सेवा करते हैं, दिल से करना है। और इसका और इसके पीछे का लॉ कुछ ऐसा है, जब हम शुक्रिया करते हैं उन आत्माओं का जो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो आप ही वो आत्माएं ज़्यादा हमारे पास आएंगी जो हमें सपोर्ट कर सकें। लेकिन अगर हमारे आसपास सेवा करने वाले हैं तो, लेकिन हम किसी एक या दो व्यक्ति के बारे में लगातार कंप्लेन किए जा रहे हैं कि वो तो हमारा हाल भी नहीं पूछते, हमारा तो कोई पूछता ही नहीं है, तो फिर ये लाइन भी साथ में जुड़ जाती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तो वो जो इतने सारे पूछ रहे थे ना वो भी सब, तो ये फिर क्या होता है, लॉ यानी स्पिरिचुअल लॉ कुछ ऐसे कार्य करता है कि जो कर रहे थे सेवा वो भी फिर दूर जाने लगते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें थॉट्स पावरफुल ही क्रिएट करने हैं। जितने पावरफुल हम थॉट क्रिएट करते हैं, उनकी तरंगे हमारी पूरी बॉडी में रेडिएट होती हैं, और रेडिएट होने के बाद क्या होता है, आप ही हमारी बॉडी स्वस्थ होने लगती है।